अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर एजाज कुरैशी टोरंटो कनाडा से आज का द डे ड्रीमर शो लेकर हाजिर खिदमत है। आज हमारे मेहमान हैं सैयद कुतुब अहमद साहब, जो के कैंडिडेट हैं प्रोविंशियल असेंबली के लिए PS 102 के लिए कराची से। उनका ताल्लुक MMA मुत्तहिदा मजलिस अमल से है और गुलशन इकबाल कराची से इनका ताल्लुक है। इन्होंने MBA इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में किया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं। हम उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी कैंपेन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल क्या हो रहा है। तो हम वेलकम कहते हैं अपने मेहमान को। जी सैयद कुतुब अहमद साहब, सलाम अलैकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुतुब साहब, प्लीज ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि जी कुतुब अहमद साहब कौन है और कैसे यहाँ तक पहुंचे। वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे पहुंचे? दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। बैकग्राउंड इज मैं टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर हूँ। टेक्नोलॉजी बिजनेस में हूँ लास्ट आई थिंक 18-20 ईयर्स से। आई हैव माई ओन सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी कंपनी, और ज्यादातर इस वक्त जो करंटली हम स्पेशलाइज में कंपनी में कर रहा हूँ, दैट इज डेटा वेयर हाउसिंग, बिग डेटा एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। दैट्स माई स्पेशलाइजेशन, प्रोफेशनली स्पेशलाइजेशन। बाकी सियासत में कैसे पहुंचा या इलेक्शन में किस तरह खड़ा हुआ, तो उसका तो जवाब सिंपल से यह है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान में लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमेशा से परेशान रहते हैं कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है, बड़े हालात खराब हैं। तो आई रिमेम्बर कि 2002 में, वे बैक व्हेन आई वाज रनिंग माय फर्स्ट इलेक्शन, तो मेरे एक दोस्त हैं, वो एक लीजिंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम कॉर्पोरेट आदमी हो, यू लिव, यू हैव अ कॉर्पोरेट कंपनी, यू हैव बीन डूइंग अ कॉर्पोरेट वर्क, तुम्हें इलेक्शन की क्या मुश्किल पड़ गई। तो मैंने कहा जी हम सारे लोग बातें तो बहुत करते हैं कि जी हालात खराब है, कुछ नहीं, बट नोबडी इज विलिंग टू टेक अप द एक्शन, डू समथिंग। तो मेरा ये ख्याल है कि वैसे तो मेरा जमात इस्लामी से, इस्लामी जमीयत तलबा से शुरू से ही वास्ता रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने भी इसमें काम किया, लेकिन प्रैक्टिकली कमिंग इन एंड डूइंग समथिंग वॉज दिस कि समबडी हैज टू टेक इनिशिएटिव। सो जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह चीजों को ठीक होना चाहिए, अगर हम अपना वेट नहीं डालेंगे चीजों की तरफ, तो वही कुछ होगा जो पाकिस्तान में अभी हो रहा है। तो वी कांट कंप्लेन एनीथिंग, वी हैव टू टेक इनिशिएटिव। दैट वॉज द मेन पर्पज ऑफ कमिंग इन टू इलेक्शन, और इसमें इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जो इसमें मजेदार बात है वो ये है कि लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी, बड़ा प्यार दिया, और 2002 में MQM के अगेंस्ट में जीता था इलेक्शन, और फिर मैं नाजिम के मैं भी इलेक्शन MQM के अगेंस्ट जीता, और जिस तरीके से लोगों ने साथ दिया, दैट वाज अ ट्रिमेंडस थिंग, अ ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस आई हैड बिफोर नाउ। ग्रेट। लेकिन 2002 में कुछ आपके साथ इंसिडेंट भी हो गया था। आपने बताया कि इलेक्शन आप जीते लेकिन आप असेंबली में नहीं आए। हाँ असल में डॉक्टर साहब इसमें उस वक्त जो हालात थे कराची के, कराची वाले बड़े अच्छी तरह जानते हैं, आप तो अभी कनाडा में हैं, लेकिन उसमें यह था कि हमने MQM के अगेंस्ट इलेक्शन जीता था, ठीक और है, MQM जिस तरह की पार्टी है वो, उसका सबको, पूरे कराची को, पूरे दुनिया को पता है कि क्या चीज है। तो एक महीने तक हमारा अनाउंस हुआ एंड देन दे रिवर्स द डिसीजन, और फिर वो रिवर्स हुआ डिसीजन, उसके बाद फिर हम 5 साल तक केसेस ही लड़ते रहे और नथिंग हैपेंड विद अस। तो इन एनी केस वो दैट्स एन हिस्ट्री नाउ, लेकिन द पॉइंट इज कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी, लोगों ने बड़ा प्यार दिया, बिल्कुल और जब मैं इलेक्शन लड़ा था उस वक्त लोग कहते थे MQM के अगेंस्ट सवाल ही पैदा नहीं होता कोई जीत सके, एंड आई वाज एबल टू विन। दैट वाज अ वंडरफुल अचीवमेंट वी हैड। तो अल्लाह का शुक्र है उसके बाद से लेके अब तक हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर पब्लिक ने, लोगों ने, और कराची के लोगों ने खासतौर पर, ये कराची के ये वंडरफुल पीपल कि जिससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उससे बेहतरीन मोहब्बत और प्यार करते हैं, और यही उन्होंने सबके साथ किया, यही हमारे साथ किया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। जी वेरी सर। गुड, वेरी गुड। तो आप, हम सब पाकिस्तान के मसले तो हम जानते हैं कि जी क्या मसले मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आप मुझे चंद ऐसे मसले से पांच हम टॉप प्रायोरिटी जो इश्यूज हैं आप वो प्लीज बताइए कि क्या है पाकिस्तान में आपके ख्याल के मुताबिक।
अच्छा देखिए, इसमें अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं कराची और गुलशन इकबाल और भादराबाद के इलाके से, कि जो अपनी हमारे जुरिस्डिक्शन की हम कॉन्स्टिट्यूएंस, बात करते हैं, जो आपकी मैं 1.02 है। हाँ उसमें मैं कराची की बात करते हैं। जो बुनियादी मसला है कराची के साथ वो ये है कि कराची को उसका जो इज्जत है ना वो हमें नहीं मिली। दैट्स द मेन इश्यू जिसको मैं समझता हूँ कि वो मिलनी बड़ी जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मेन इश्यू पहले तो जिंदगी और मौत का मसला था यहाँ पे कराची के अंदर। यानी कि हम ये कहते थे कि भाई जिंदा रहने दो, जिंदगी गुजारने दो, जो करना है कर लो, वी डोंट केयर एनीथिंग। दैट वाज द इश्यू। यानी बिल्कुल हमें, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, मैं गुलशन में यहाँ पे रहते हुए मेरे घर के सामने फायरिंग हुई, जो है ना उसका आज तक मेरा बेटा है उसका उस ट्रामा से जो है ना वो गुजर रहा है। एंड दैट वाज जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई, हम कहते थे यार जिंदगी दे दो, नथिंग एल्स। फिर उसके बाद जब हालात कुछ बेहतर हुए तो कुछ सोचने समझने की सलाहियत तो जब बहाल होना शुरू हुई तो लगा कि ये भी यहाँ पे बिजली के भी मसला है, यहाँ पे पानी का भी मसला है। लॉ एंड ऑर्डर जनरली क्वेश्चन इकबाल और भाद्राबाद का एक इशू है कि विच नीड्स टू बी सॉल्व ऑन दिस। लेकिन इस सारी चीजों के अंदर जो शनाख्ती कार्ड के इश्यूज हैं, मतलब यू कैन काउंट मेनी थिंग्स, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि दिस हैज टू बी वेरी वेरी मच स्पेसिफिक कि हमें जो लोगों, कराची के लोगों को इज्जत देने की जरूरत है, कराची के लोगों को वो मुकाम देने की जरूरत है जो वो डिजर्व करते हैं। कराची जो है और पाकिस्तान जो है, दे आर वंडरफुल पीपल, और इन लोगों को अगर आप सिर्फ उनको वो मुकाम देना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली लोगों के जो मसले जो है और लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स देता हूँ। यानी कि हमारे इलाके के अंदर एक बहुत ही एक छोटी कच्ची आबादी है और बहुत ही गरीब लोग उसके अंदर रह रहे हैं। उससे सिचुएशन ये है, उस आबादी का हालत ये है कि वहां पे 4-5 दिन तक मुस्तकिल लाइट नहीं थी। नो, गरीब लोग पानी और बिजली के बगैर वहां बैठे हुए और नथिंग वॉज देयर। तो मैंने किए इलेक्ट्रिक को कॉन्टेक्ट किया, उनसे कहा यार इनकी लाइट क्यों काटी थी। उन्होंने कहा जी 20% लोग जो है ना वो डिफॉल्टर्स हैं। तो मैंने कहा यार 80% जो बिजली के सारे बिल्स पे कर रहे हैं उनका क्या कसूर है, दे नीड समथिंग, उनके साथ तो आप इज्जत का मुकाम दें, उनको तो कुछ कुछ चीजें दें। ये जो चीज है ना, दिस इज क्रॉस द बोर्ड, तमाम लोग जो है ना वो कराची के साथ और एज अ जनरल पाकिस्तान के साथ करते हैं। यानी कैफियत ये है कि शिनाख्ती कार्ड के, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि दफ्तरों के बाहर लोग जो है ना वो लाइनें लगा के खड़े होते हैं और जनाब वो शिनाख्ती कार्ड दफ्तर वाला लोगों को बुलाता है, छोटी सी खिड़की में जलील करता है, उठा के बाहर फेंक देता है। मेरे पास ऐसे लड़के आए, उन्होंने कहा कि जी हम गए शिनाख्ती कार्ड के दफ्तर में और उन्होंने मुझसे कहा कि जी अपने नाना का जो 1951 में और 50 में हिजरत करके आए थे, आप उनके बारे में डिटेल्स लेकर आओ। वो कह रहा है यार सारी जिंदगी मैंने कराची में गुजार दी, सब कुछ कर दिया, मैं नाना और दादा की डिटेल्स लेकर आऊं। मतलब ये एक जलील करने वाला अंदाज है ना। अब पुलिस को आप देख रहे हैं, पुलिस की ये कैफियत है कि एक यंगस्टर अगर कराची यूनिवर्सिटी से निकलता है और एनईडी से निकलता है और अपने घर की तरफ पढ़ के आ रहा है तो मोटरसाइकिल पे अगर वो सफर कर रहा है तो पुलिस वालों को उनके अलावा कोई दहशतगर्द नजर ही नहीं आएगा। सारे दहशतगर्द जो है ना वो पुलिस वालों को लगा जी मोटरसाइकिल के ऊपर है। तो मतलब दिस इज अ जनरल, कहते हैं ना कि माइंड सेट है दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। माइंड सेट शुड बी कि जितने ये इदारे हैं ये हमारे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे हमारी लाइफ को ईजी करने के लिए, रादर के उसको। अभी जस्ट जस्ट अभी जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने मुझे कुछ चीजें बताई, आगे ये बैकड्रॉप जो है आपका व्हाइट हो रहा है, शुड बी ब्लैक ताकि मेरी तस्वीर सही नजर आए, यू शुड बी एबल टू सी मी प्रॉपरली। जिस कमरे में बैठा हूं उस कमरे में एसी अगर चल रहा होगा तो आई कैन टॉक टू यू प्रॉपरली। लेकिन कराची के अंदर ये नहीं है। मुझे बिजनेस करने के लिए, मुझे जिंदगी गुजारने के लिए, मैं मुख्तलिफ इदारों में जाने के लिए, मुझे वो मुकाम और कराची को वो इज्जत नहीं मिल रही कि जो उसको मिलने चाहिए। तो दैट इज द बेसिस ऑफ, अगर मैं अपनी बात करूं तो ये तो मेरी, दिस इज व्हाट आई थिंक कि कराची के लोगों को उनका रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत, उनको बहाल होने की जरूरत है। वी डोंट वांट एनीथिंग। यानी मैं इस स्पीच में बिलीव करता हूं कि यहाँ की जो कराची की कम्युनिटी है, कराची के जो बिजनेसमैन है, कराची के जो लोग हैं वो इतने जबरदस्त है, वो कहते हैं यार हमें एनवायरमेंट आप अच्छा दे दें, जॉब्स हम खुद क्रिएट कर लेंगे, हालात हम चीजों को अपने खुद बना लेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें ऐसा एनवायरमेंट तो दें कि हम जो ना सुकून से जिंदगी गुजार सकें। तो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी। अब यहाँ पे मेरी एक बड़े चैनल से बात होती है आप लोगों के लिए मसाइल, मैं कहा यार मसले तो रोजाना के मसले हैं, मसलों के, यानी कि मैं लंबी घर में लिस्ट बैठे,
सॉरी आपकी आवाज कट रही है, ये आई कांट हियर यू। मैंने कहा कि मसलों की तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है। बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि हम सबको कलेक्टिवली इस इज्जत को बहाल करना है, इस चीज को जो है ना वो आगे लेकर आना है, ताकि हम कराची को कराची बना सकें और पाकिस्तान को पाकिस्तान बना सकें। दैट्स द बेसिक थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। चले, मसले मसाइल तो हमने डिस्कस किए कि जी लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इश्यूज और बहुत सारे हैं, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, एजुकेशन का मसला है, गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है, अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है, कोई बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मुहावरा जो है वो बिल्कुल सादर आता है। बहुत सारी जगहों पर सरकारी दफातर के अंदर रिश्वत का जो बाजार है वो बेताशा गर्म है। जायज काम कराने के लिए आपको घंटों धूप में ख्वार होना पड़ता है, और पैसे जब तक आप नहीं खिलाएंगे उस वक्त तक आपका जो सही काम है वो भी नहीं होगा। ये सारे मसले मसाइल हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है इन मसलों से बाहर निकले और प्रॉस्पर हो। आप क्या तब्दीली लाने वाले हैं ये बताइए जनाब कुतुब साहब, एज एज अ कैंडिडेट फॉर PS 102। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं तो एक अश्योरेंस दे रहा हूँ आपको कि इंशाल्लाह वी आर कमिंग इनटू द पावर। दैट्स नंबर वन थिंग। हम सिंध के अंदर भी पावर में आ रहे हैं और हम सेंट्रल के अंदर भी पावर में आ रहे हैं। वी आर कमिंग इनटू पावर। और पावर में आने के सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये करना है कि जो लोगों के रिसोर्सेज हैं वो ऑनेस्टली सारे के सारे रिसोर्सेज वो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर वो लगने शुरू हो जाएं और लोगों को वो रिसोर्सेज मिलना शुरू हो जाए। मैं आपको बड़ी इसकी जेनेरिक सी आप जेनेरिक एक एग्जांपल देता हूँ। जब नेमतुल्ला खान साहब कराची की गवर्नमेंट में थे और यहाँ पे वो नाजिम थे, तो मुझे याद है कि कराची का बजट जो था इट वॉज 5 बिलियन रुपीज। व्हेन ही केम टू पावर इन 4 ईयर्स दैट बजट वेंट अप टू 45 बिलियन। 9 टाइम्स वो जो है वो इंक्रीज कर गया बजट। अब ये वो चीज है कि जो इसने, क्योंकि जो रिसोर्सेस थे, जो जो जितने हमारे फंड्स थे वो प्रॉपरली और सही तरीके से वो लगना शुरू हुए। 4 साल के अंदर कराची का बजट कहां से कहां पहुंच गया। तो दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। मेरा ये ख्याल है कि जो सबसे बुनियादी चीज है वो ये है कि इस ऑनेस्टली आप जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को, सारे के सारे रिसोर्सेज को आप ट्रांसफर कर दें उसके उसके प्रॉपर उसकी जिस जगह पे उसको लगने चाहिए। वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपको खुद ब खुद ही प्रॉस्पेरिटी, खुद ब खुद ही चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती है। नंबर टू उसके अंदर बुनियादी चीज ये है कि जितने इदारे हैं हमारे और जितने चीजें ये सब के सब लोगों की खिदमत के लिए काम करें, रादर ये कि उनको जो खेचे तानी उनकी शुरू हो जाए। मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी थी और एग्जाम्पल मैंने ये दी थी कि कराची के अंदर ये सूरत हाल है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं उनकी कोशिश है कि मुझे किसी तरीके से खींच ले। मैं अपनी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे बिजनेस है, मैंने यहाँ पे एक सिंध रेवेन्यू बोर्ड एक है जिसपे सेल्स टैक्स के लिए सर्विसेज के ऊपर हमें रजिस्टर कराना पड़ता, मैंने खुद रजिस्टर कराया उसको टू गेट सम कॉन्ट्रैक्ट। द मोमेंट आई रजिस्टर्ड, बीइंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, मेरी सारी पेमेंट्स जो है ना वो एट सोर्स करती है, मेरे सेल्स टैक्स में सोर्स कर जाता है, लेकिन मेरे पास हर महीने नोटिस आता है सेल्स टैक्स का कि जी आपने सेल्स टैक्स पे नहीं किया। अब हम उसे कह रहे हैं कि भाई मेरा तो एट सोर्स कट रहा है, एंड व्हाई आर यू आस्किंग मी टू पे ऑल दीस टैक्सेस। वो कहते हैं नहीं जी आप उसको करें। मेरा एक दोस्त है, उसकी एक्सपोर्ट बिजनेस है, उसका 99% एक्सपोर्ट बिजनेस है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। उन लोगों को उन्होंने सारा बिजनेस जो है एक्सपोर्ट बिजनेस, उसने कहा नहीं जी इसका सारा का सारा सेल्स टैक्स आप पे करें। पाकिस्तान के अंदर अंटिल 2025 जितना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बिजनेस है वो पास थ्रू टैक्स एग्जेम्प्टेड है, देयर इज नो टैक्स अलाउड देयर। मगर वो डिपार्टमेंट जो है वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को जो है ना सुकून से काम करने नहीं दे रहा। अब सब लोग परेशान है, यानी मेरे पास वो मेरा लॉयर आया, वो आके पहले मुझे डराता रहा कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धमकाना हो जाएगा। मैंने कहा यू आर आस्किंग मी टू शट डाउन माई कंपनी एंड गो होम एंड डू नथिंग। वो कहते नहीं, 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 मेरा मतलब ये है कि आपको ये सब कुछ करना है। तो दिस हैज टू बी चेंज्ड। दीस पीपल हु आर ऑल इंस्टीट्यूशंस, इसके अंदर हमारा वाटर बोर्ड भी है, हमारा के इलेक्ट्रिक भी है, इसके अंदर हमारे शनाख्ती कार्ड के नादरा के ऑफिस भी हैं, जितने टैक्स अथॉरिटीज हैं वो भी हैं, पुलिस भी है, दीस शुड बी वर्किंग
for my benefit rather than taking something out of me. So this has to be changed. And inshallah, hum iktidar mein aane ke baad aur Sindh mein iktidar mein aane ke baad is SRB example de do SRB wale ki jo log hamari zindagiyon ko haram karte hain aur jo hum logon ko pareshan karke rakh dete hain inko hum is tarah ke logon ko hum theek karke chhodenge. Pakistan ke andar ye jo log baith ke Pakistan ko loot ke chale jate hain aur ye jitne idare jo hai na hamari zindagiyon ko unhone ajiran karke rakha hua hai humne in sab ki jo hai na inko lagana is kaam ke upar hai ki wo logon ki benefit ke liye kaam kare logon ko aasaniyan dene ke liye kaam kare rather jo hai ki wo darna shuru kar de. And you know this ki hamare yahan kisi se kaho ki ji wo hamare ek mohalle mein yahan block 5 Gulshan Iqbal ke andar pichle dino badi dakaitiyan pad rahi thi yahan pe to logon ke bahut chhina chappi ho rahi thi. Maine DSP se mila, main DIG se mila to main logon se kaha yaar jaake FIR katao. Na jab thane ke andar jayenge ab kaisi baat kar rahe hain hum thane ke dakhil nahi ho sakte wo to hame exactly this is the mindset aur galat nahi hai log ab wahan pe jayenge wo baith jayega wo to chhodega nahi mujhe na hum wo to kehte hain na ki jiske taluqat na ho police wale se uske bagair wo chala jaye to wo to aise taisi pher dega na sari ke sari. Bilkul bilkul this has to be stopped. And inshallah iktidar mein aane ke baad hum ye sari cheezon ko change karke chhodenge aur humne choda hai हमने ये काम किया है हमने हमने जो जहां जहां हमने गवर्नमेंट की और इंशाल्लाह सिर्फ 20 दिन की बात रहेगी 20 दिन भी नहीं और भी कम दिन की बात है इंशाल्लाह हम हुकूमत में आ रहे हैं एंड वंडरफुल डेज आर कमिंग इन फॉर पाकिस्तान नाउ. कुतुब साहब मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ अपने शोज में जो भी मैं पोलिटिकल एनालिस्ट हजरात से या पोलिटिशियन से बात करता हूँ अपने शो के जरिए कि यहाँ पर जैसे नॉर्थ अमेरिका में हम बैठे हैं या यूरोप में हैं तो यहाँ पर जो पुलिस का निज़ाम है इंतज़ामिया जो है उसके अंदर लोकल लोग यहाँ के मौजूद हैं काउंटी लेवल की वो पुलिस होती है और एक 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 नेशनल लेवल की पुलिस अपनी जगह है लेकिन एक लेयर पुलिस की जो है वो काउंटी लेवल के ऊपर मौजूद होती है कि उस काउंटी के ही लोग उसके मुलाजिम होते हैं. अच्छा अब मेरे घर से दो घर छोड़ करके यहाँ पर एक पुलिस वाला रहता है ठीक है मेरे साथ जो है वो काम के ऊपर एक खातून काम करती हैं मैं वॉलंटियर करता हूँ उनकी बेटी पुलिस वाली है ठीक है जी स्पेशल यूनिट में SIU में काम करती है. अच्छा हम सब एक दूसरे को जानते हैं बिल्कुल ठीक है. अच्छा क्या होता है कि अगर उसकी बेटी जिसको मैं जानता हूँ अगर वो किसी से रिश्वत तलब करेगी तो हमें तो पता चल जाएगा मेरा पड़ोसी अगर किसी से मांगेगा खड़ा होकर के तो उसका पता चल जाएगा कि यार ये तो रिश्वत हो रहा है ये तो रिश्वत बिल्कुल सही है यहाँ से सोसाइटी से निकाल देंगे उसको ठीक है बिल्कुल ठीक है अपनी जगह. ये मैं ये समझता हूं कि पुलिस को लोकल होना चाहिए. आपने इतनी बुनियादी बात की है ये कि देखें ये कब होगा ये जब होगा कि जब जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जब आप चीजों को सोल्यूशन की तरफ जाएंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो तभी ये काम हो सकेगा ना. इस तरह काम होता ही इसलिए कि लोगों को ताकि मौका फराम किया जाए पैसा कमाने का बस मौका फराम किया जाए लोगों को बदमाशी करने का बिल्कुल. हमारे यहाँ ये होता है कि जो भी अगर आप ऐसे ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं कि जहां पे लूज होल्स या लूप होल्स जो है ना वो बरकरार रहे वो कायम रहे ताकि लोगों को मौका मिले कि चीजों को उसको करने की. यानी कि आपको मैं बड़े मजेदार बात बताऊं कि जब यहां पे पुलिस में हम ज्यादा ज्यादा पुलिस वाले को जानना शुरू कर देते हैं ना तो वो यहां से SHO को चेंज कर देते हैं वो फौरन यहां से निकल जाता है. वजह उसकी ये होती है कि लोग उसको ज्यादा जानने लगते हैं उसको लोग पहचानने लगते हैं लोगों के बारे में उसका एक्सेस हो जाता है वो कहते हैं यार दिस इज डेंजरस ना उसको ही हैज टू बी मूव्ड आउट. क्योंकि जो किसी को नहीं जानता होगा ना वो सारा काम कर जाएगा किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या हो क्या रहा है. बिल्कुल तो यही वो माइंडसेट है जिसको हम इंशाल्लाह हुकूमत में आके हम उसको तब्दील करेंगे और यही वो माइंडसेट है कि जब वो पूरे पाकिस्तान के जो तब्दील होना शुरू होगा तो पाकिस्तान के अंदर एक पॉजिटिव चेंज जो है वो आना शुरू हो जाएगा. दिस इज व्हाट हैज टू बी ये हमारी जो है ना सबसे बुनियादी चीज है जो हम करना चाहते हैं ये वो बुनियादी चीज है जिसको हम इम्प्लीमेंट करना करके करेंगे यहाँ पे. और जब ये माइंडसेट चेंज होना शुरू होगा जब ये विजन चेंज होना शुरू होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर एक वो चीज आने शुरू होती है कि जो लोगों को कि मतलब मैं कभी कुछ सोचता हूं कि ये मेरे और मेरे बच्चों का हक है कि उनके साथ कम से कम उनसे मोहब्बत की जाए
कम अज कम उनसे प्यार किया जाए, कम अज कम उनको वो चीज दी जाए जिसको यार दे डिजर्व दिस, वी आर इन पाकिस्तान, एवरीबॉडी ऑफ अस डिजर्व दिस। ये चीज जैसे मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि हम कराची के लोगों की, गुलशन इकबाल के लोगों की, बहादराबाद के लोगों की इज्जत को बहाल करेंगे। वंस वी डिड दैट तो ये सारे जो है ना मसले हम इंशाल्लाह ये सब हल हो जाएंगे। अब देखिए ना के इलेक्ट्रिक है, जैसे आपको पता होगा कि जमात इस्लामी ने जो है उसको केस किया था के इलेक्ट्रिक पे, 250 बिलियन रुपीज वो एक्स्ट्रा चार्ज करके हमसे ले जा चुके हैं के इलेक्ट्रिक, वो ऑलरेडी दे हैव मेड द मनी। इसकी बड़ी लंबी डिटेल है वो क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, क्या चीजें करते हैं। एंड आप एवरी बिल व्हाट वी रिसीव उसके अंदर ऐसे चार्जेस हैं कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस वो करते हैं जो किसी सूरत में वो हमें चार्ज नहीं करना चाहिए। अब उसमें हुआ क्या, हमने सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर एक केस फाइल किया। अब हमें अजीब सी बात है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं कुछ कहूंगा मेरे पर हद तक इज्जत का दावा लग जाएगा, लेकिन मैं बता कहना चाह रहा हूं कि ये मेरा हक है। देखिए हो क्या रहा है, चीफ जस्टिस साहब हॉस्पिटल्स को विजिट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो काम कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज नॉर्मली करती हैं, लेकिन 3 करोड़ लोगों का कराची का मसला 250 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक खा के चला गया, उस केस की कोई डेट ही नहीं आ रही मेरी। व्हाट इज दिस, दिस मेरे जो है ना वो हक लेके चले गया, मेरे पैसे खा गया मेरे, उसको कोई जो है ना उसकी डेट ही नहीं पड़ रही, उस पर काम ही नहीं हो रहा। इसी तरह एक 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 इदारे का हाल है। तो ये चीज उस वक्त होंगी जब हमारे पास ऐसे हुक्मरान मौजूद होंगे जो कि मतलब अपनी वेस्टर्न इंटरेस्ट के खातिर जो है ना चीजों से पीछे नहीं। अब हमारी कराची की जितनी क्यादत रही, ये सारे मसाइल होते गए, नोबडी इवन रेस्ड एनी वॉइस इन एनी असेंबली, किसी ने कुछ नहीं किया। ये वो चीज है जो सबसे पहले हम इक्तदार में आके करेंगे। अब सिंध के अंदर हालत यह है कि यहाँ पे हमारी पीपल्स पार्टी ने और MQM ने और इवन PTI ने ये गवर्नमेंट में यहाँ पे असेंबलीज के अंदर रहे, इनके मुंह क्यों बंद हो जाते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब जब मेरा मसला आता है, जब मेरे घर का मसला आता है, मेरे बीवी बच्चों का मसला आता है, तो ये उनके मुंह बंद हो जाती है, बोलते तक नहीं है। बाकी आप सोचें, मुझे बताएं कि पूरे PTI ने पूरे 4 हलकों के लिए शोर मचाया हुआ था, ये बुरा हाल हो गया था, कराची की सारे सीटों पे कब्जे होते रहे, कराची के अंदर लूट मार के चलती गई, कहां पे चला गया वो जुल्म, किधर गया वो चीजें, नो वन वॉज विलिंग टू एक्चुअली स्पीक अप फॉर दैट, वी विल नॉट टॉलरेट दैट। और मैं आपको एक और खुशखबरी दूं, देखें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले टाइम कितने पीरियड के अंदर हमने कराची की आवाम के साथ टाइम गुजारा है, कराची के मजदूर लोगों के साथ, वी हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर दैट। आप यकीन करें, आप मुझसे भी सवाल कर रहे थे, आप मुझसे कह रहे थे ना कि जी बड़ा टाइम, बड़ा क्रिटिकल टाइम है, इस पर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और यू यूजिंग इट। मेरी कैंपेन जो है ना इस वक्त पूरे मेरा हल्का चला रहा है, एवरीबॉडी इज एक्चुअली गोइंग आउट इन मीटिंग, मुझे यहां बैठा हुआ हूं मैं आपके पास और लोग मेरी कैंपेन चला रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं, उनको एहसास होता है ना कि समवन इज विद अमंग देम, उनके दरमियान है, तो वो खुद ही सारे काम करते हैं। और मैं आपको डॉक्टर साहब, आई एम इनवाइटिंग यू ऑन द 26th मॉर्निंग कि आप आइएगा, हम आपको मिठाई खिलाएंगे अपनी जीत की। और आई लव इफ यू कम टू माय हाउस एंड वी विल हैव अ गुड मिठाई सेशन विद यू ऑन द 26th। आपसे मिलने के लिए इंशाल्लाह जी विल डू दैट, असेंबली हाजिर होऊंगा जनाब इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, दैट वुड बी वंडरफुल इफ यू डू दैट। चलें, अच्छा आपके ख्याल में जो हमारी 3 मेजर ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट लेवल पे, एग्जीक्यूटिव्स हैं और जुडिशरी है और एस्टेब्लिशमेंट है, इनके दरमियान आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त करंट, मैं केयर टेकर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं उससे पहले की हुकूमत की बात कर रहा हूँ या आने वाली हुकूमत की बात कर रहा हूँ, इसके दरमियान आप क्या समझते हैं कि किस तरह की रिलेशनशिप होनी चाहिए तीनों ब्रांच? देखिए जी, मेरा देखिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना हमारे, उसके अंदर ये है कि हर इंस्टीट्यूशन का ना अपना एक करने का काम है, ये हैज टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक बड़ी बुनियादी सी चीज आपको बताऊं, अगर इंस्टीट्यूशन अपना काम परफॉर्म करेगी तो बाकी काम खुद ब खुद ठीक होना चाहिए। मेरी राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है कि जाके वो हॉस्पिटलों में जाके देखे जी कितने मरीज वहां पे पड़े हुए और कितने नहीं पड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट का काम यह है कि वो जस्टिस सिस्टम को प्रॉपर कर दे,
फ्रॉम टॉप टू बॉटम सारी चीजों को इंश्योर करना शुरू कर दे, बाकी चीजें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। जो हमारा एग्जेक्टिव है, जो मतलब जो गवर्नमेंट है, उसका काम है इसके तार, ये जो जिसके जो उसका काम ये है कि चीजों को डिलीवर करना, चीजों को लेके जाना, उसको चीजों को मैनेज करना, दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। बट यहां पे हो क्या रहा है कि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू सम अदर्स वर्क, दिस शुड नॉट हैपन। आप भाई जुडिशरी का काम ये नहीं है कि वो जाके जी मेरा जो है ना वो पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन उसका ये काम जरूर है कि अगर पानी के खिलाफ किसी ने कोई केस किया हुआ है तो उसको प्रोसेस करें। छोटे जो जो हमारी जो वो हैं जुडिशरीज हैं, हजारों केसेस वहां पे पेंडिंग पड़े हुए हैं, हजारों केसेस, और वहां पे नोबडी इज एग्जीक्यूटिंग दोस केसेस, कोई नहीं देख रहा कि उस केसेस। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं बेचारे, ऐसे ऐसे लोग मैं जानता हूं जिनको बेकसूर लोग हैं, 10-10 साल से जो है ना वो जेलों में चक्कर काट रहे सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनकी डेट नहीं लगती वहां पे जाके, वो जनाब वो डिले होते जाते हैं। वो कहते हैं जी क्यों नहीं लगती, इसलिए नहीं लगती कि उसमें क्या है कि जी वो जुडिशरी के जो स्ट्रेंथ है वो इतनी कम है कि उस पर पूरा काम नहीं कर पाते वो। अब ये किसका कसूर है? ये कसूर है उस सिस्टम का जो मौजूद है। इसी तरीके से जो मेरे मुकर्रन जो 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 एग्जेक्टिव हैं, जिनको काम करना है, जिनको डिलीवर करना है सारी चीजें, अगर वो सारा काम करना शुरू कर देंगे कि जो काम किसी और ने करना है, तो वो फिर वो भी गलत है कि भी मैं आई एम नॉट अ जुडिशरी, आई हैव टू परफॉर्म समथिंग जो मेरे अपने एरिया के अंदर आता है। देखिए मैं इसी तरह एक मीडिया के हवाले से भी कहना चाहता हूं, आप मीडिया से समहाउ यू रिलेटेड टू मीडिया, मीडिया जब जज बनना शुरू कर देते हैं ना, वो भी मुल्क के लिए गलत है। यू कैन नॉट डू दैट। अब देखिए इस वक्त हो क्या रहा है हमारे मीडिया के, अब लोग कहते हैं मीडिया के खिलाफ ना बोला करो, तुम्हारे पीछे पड़ गया तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन देखिए अब हो क्या रहा है, एक पार्टी के कारकुनान वहां पे टीवी पे बैठ के जो है ना वो शोज कर रहे होते हैं, वन साइडेड शोज, कारकुनान बैठे में काम कर रहे थे। दिस इज नॉट मीडिया, दिस इज यू हैव टू बी इम्पार्शियल, यू हैव टू गिव कवरेज टू एवरीवन, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, आप कभी भी चीजों को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस, यू हैव टू, एवरीबडी हैज टू परफॉर्म, हैज टू वर्क अंडर इट्स लिमिटेशन, डोंट क्रॉस द लिमिटेशन। देखिए अगेन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब इसका देखा जाएगा जो कुछ भी होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल, देखें जुडिशरी जो है अगर स्टेप आउट करेगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी, ये चीज नहीं हो सकती। यू हैव टू वर्क व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अब मुझे बताया ना, मैंने 3 साल पहले केस किया हुआ है, मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कराची के लोगों के साथ जिनको 250 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक उनकी खा के चला गया। मेरा तो कोई केस जो है ना उसको लगाने को तैयार नहीं है, नोबडी इज एक्चुअली, वो कहते हैं हमारा टाइम ही नहीं है हमारे पास, लेकिन दूसरे काम के लिए घूमने फिरने के लिए बड़ा टाइम है। तो भाई मेरा तो पैसा जेब से जा रहा है ना, एवरी बिल व्हाट आई एम टेकिंग उसका पैसा जो है वो निकाल के वो खा के चले जा रहे हैं, एवरी बिल व्हाट आई एम पेइंग उसके ऊपर वो चार्जेस लगा के और मेरे जो है ना वो पैसे खा रहे हैं। लेकिन फाइन, हम तो जो है ना हमारे पास तो कोई पूछने को तैयार नहीं है उसके अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जो बाउंड्रीज क्रिएट करें, उस बाउंड्रीज के अंदर एवरीबडी हैज टू परफॉर्म, एवरीबडी हैज टू स्टे इन द बाउंड्रीज। और देखिए अगर हम बहुत सी बुराइयां भी करते हैं, हम अमेरिका के खिलाफ भी बात करते हैं, हम सारी चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन आई एम जस्ट चेंजिंग माई लोकेशन अ लिटिल बिट, तो वो उसमें ये सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि इसके अंदर रहते हुए, इस सारी सिचुएशन में रहते हुए, हमें अपनी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, पाकिस्तान के उसके ऊपर काम करना है कि पाकिस्तान के लिए हमें परफॉर्म करना है, पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाना है, पाकिस्तान को सुकून देना। जो बात मैं कहना चाह रहा था कि हम अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, लेकिन वहां पर सिस्टम ऐसा मौजूद है कि सारे लोग जो है ना अपने अपने दायरे में रहकर काम कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई दे परफॉर्मिंग, दैट्स व्हाई एवरीथिंग। अभी हमने देखा ट्रंप ने एक कानून पास किया और वहां पे जनाब उसकी जुडिशरी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, एंड ट्रंप कुड नॉट डू एनीथिंग, दैट हैज टू बी दे केप्ट ऑन वर्किंग, नथिंग हैपेंड। तो ये वो चीज है कि जो हम पाकिस्तान में लेकर आएंगे, ये वो चीज है जो पाकिस्तान में हम इन्फोर्स करेंगे, ये वो चीज है जो इंशाल्लाह आफ्टर 1 मंथ
पाकिस्तान के लोग उसको देखना शुरू करेंगे कि पाकिस्तान में जब एमएमए की गवर्नमेंट आएगी, हम हुकूमत में आएंगे, हम इस चीज को इंश्योर करेंगे कि एवरी इंस्टीट्यूशन हैज टू वर्क अंडर उसकी जो लिमिटेशंस हैं, उसकी जो बाउंड्रीज हैं, उसमें उसको काम करना है। और ये हम जब लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान बनेगा और कराची कराची बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी सर। ये जो आपने बात की हॉस्पिटल विजिट्स की और पब्लिक की चीजों में इन्वॉल्वमेंट की, तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज द बिगनिंग ऑफ द फ्यूचर पॉलिटिकल करियर। मैं ये समझता हूँ अपने नो कॉमेंट्स बिल्कुल। एनीवेज आई थिंक यू कैन से, आप तो इस वक्त कनाडा में है ना, तो आप कह सकते हैं मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए आप से नो कॉमेंट्स। चलिए ठीक हो गया जी सर। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और अगर हमारे पास कुछ मिनट अगर हैं कुतुब साहब, तो ये हमारे फवाद खालिद साहब हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये कह रहे हैं कि योर थिंकिंग इज वेरी गुड। बिलावल भुट्टो, व्हेन आई हर्ड हिम ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वाज आल्सो अ ग्रेट स्पीकर एंड स्पोक अबाउट गुड थिंग्स। अच्छा जी ठीक है, कमेंट है बेसिकली, इनका क्वेश्चन नहीं है। और ये कह रहे हैं कि जी बजट तो इस्लामाबाद से आएगा आपका, तो आप प्रोविंशियल लेवल पे क्या करेंगे? आई मीन दिस इज गुड। देखिए जी, बजट जो है दोनों जगह से आता है। इस्लामाबाद में फेडरल बजट बनता है और प्रोविंशियल बजट जो है ना वो सूबे में बनता है। तो और आपको मैं बड़ी मजेदार बात बताऊं कि पाकिस्तान के पास पैसे की कमी नहीं है, यानी कि मैं ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं कि हमारे पास अगर प्रॉपरली चैनलाइज हो जाए चीजें और चैनल के थ्रू आना शुरू हो जाए, तो हमारे पाकिस्तान को वी कैन ट्रांसफॉर्म इट टू समथिंग अ वंडरफुल नेशन। मैं एक स्टडी एक आर्टिकल पढ़ा था और उसके अंदर आर्टिकल उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान विल बिकम द टॉप आई थिंक 30 और 50 वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर्स के अंदर पाकिस्तान विल बी ट्रांसफॉर्मिंग। पाकिस्तान इज बिकमिंग अ रिमार्केबल कंट्री। मतलब ये सीपैक की जो कहानी हम कहते रहते हैं, इसके अंदर भी इतनी बड़ी चीज है ये कि जिस तरीके से फंड्स फ्लो होंगे, जिस तरीके से लोगों का इस पे कॉन्सेंट्रेशन है, जिस तरीके से इंटरनेशनल कंट्रीज आर लुकिंग एट पाकिस्तान, वी आर बाउंड टू बी अ वंडरफुल नेशन। आप डॉक्टर साहब तैयार हो जाएं पाकिस्तान आने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान वी नीड पीपल लाइक यू, बिकॉज पाकिस्तान इज विल बी अ रिमार्केबल कंट्री। तो जब हम हुकूमत पे होंगे तो आपकी तरह के लोगों की हमें शदीद जरूरत पड़ेगी कि जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, वी कैन यू विल पीपल थिंक प्रॉपरली एंड थिंक गुड, तो वी नीड पीपल लाइक यू टू बी पाकिस्तान। मेरे बहुत से रिश्तेदार अमरीका के अंदर है, मैं तो उनको कह रहा हूँ कि गेट रेडी, वी आर कमिंग टू पावर एंड एवरीबडी ऑफ यू हैज टू कम बैक। वो लोग मैंने अपनी अपनी वो चैनल में लगाया हुआ है और लोग सुन भी रहे होंगे मेरी बात। आई मीन बट everybody let's come back to pakistan, let's build pakistan and make pakistan a great country. wo trump kehte the na ki we'll make america great again, to main ye kehta hu we'll make pakistan great again and pakistan in karachi great again or this will be a different karachi. hum iktidar mein aake hukumat mein aake we'll make a different pakistan, we'll make a different karachi and inshallah within certain months and you'll see कि लोगों के चेहरों के ऊपर खुशियां नजर आएंगी, लोग हंसते हुए नजर आएंगे आपको, लोग जो है ना यहाँ पे परेशान लोग नजर नहीं आएंगे आपको, ऐसे लोग नजर आएंगे कि आपको लगेगा कि वाकई ये पाकिस्तान के और ये वो लोग हैं, विल विल रियली ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म द नेशन एंड पाकिस्तान विल पाकिस्तान इंशाल्लाह गेन। इंशाल्लाह बिल्कुल जनाब, मैंने एक स्लोगन बनाया है, पता नहीं आपकी नजर से वो गुजरा या नहीं कुतुब साहब, लेकिन मेरा स्लोगन है कि आओ मिलकर बनाएं बेहतर पाकिस्तान। Oh, wonderful जी, we'll use this slogan. आपको copyright तो नहीं है इसके slogan में? copyright नहीं है ना। तो वो मैंने यही कहता हूँ कि आओ मिलकर बनाएं बेहतर पाकिस्तान। तो कोई नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हमें सबको मिल करके एक ज्वाइंट एफर्ट पाकिस्तान को जो हमारे पास है उसको बेहतर से बेहतर तर बनाना है, यही हमारा जनाब। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही माशाल्लाह से और मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच एट द 11th आवर फॉर एक्सेप्टिंग माय रिक्वेस्ट एंड कमिंग ऑन द शो। इट हैज बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, माशाल्लाह बहुत मजा आया। अल्लाह ताला आपको आपके इरादों में और कुव्वत बख्शे और आपको कामयाब करे अल्लाह ताला, ताकि आप कराची के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर सकें, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, खुसूसन सिंध के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप काम कर सकें।
और हमारी कौम के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर सकें. बहुत बहुत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग जी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. चलते चलते कोई फाइनल वर्ड आप हमारे व्यूवर्स से कहना चाहें, कोई मैसेज आप देना चाहें तो प्लीज डू. बस मैं ये कह रही गेट रेडी फॉर, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, आज मिलके पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएं, खुशहाल पाकिस्तान बनाएं, एंड गेट रेडी. एमएमए इज कमिंग टू पावर, एंड जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं, स्टार्ट प्लानिंग टू कम बैक टू पाकिस्तान नाउ, बिकॉज पाकिस्तान विल बी अ ग्रेट नेशन इन मंथ्स टू कम. इंशाल्लाह 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 जी. ओके व्यूवर्स, थैंक यू सो मच. प्लीज अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिए कि आपको शो कैसा लगा, कमेंट से हमें बताइए प्लीज. और अगर किसी खास मेहमान को आप देखना चाहते हैं शो पर, प्लीज हमें बताइए. और अगर कोई खास टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हैं प्लीज बताइए. हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुसूसन सैयद कुतुब अहमद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है अगले मेहमान के साथ. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. थैंक यू जी. अस्सलाम वालेकुम.